अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 27 फरवरी सन 2023 और इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। सामने आपको ZCU-20 नज़र आ रहा है 6408, जो कि अटैच हुआ है 130 डाउन थल एक्सप्रेस के साथ। तो इंशाल्लाह आज हम सफ़र करेंगे रावलपिंडी से कुंदियां जंक्शन तक। और 10 माह पहले भी तकरीबन हमने ये सफ़र किया था, जब ये ट्रेन प्राइवेट होकर चली थी। एक प्राइवेट कंपनी ने इसको ऑन किया और तकरीबन 10 माह तक चलाया, और उसके बाद वो कंपनी इस ट्रेन को छोड़ के चली गई। तो अभी सरकार चला रही है इस ट्रेन को, और देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है कब तक इस ट्रेन को चलाती है। और ये अब सब डिपेंड करेगा जो इसमें सफ़र कर रहे हैं मुसाफिर, उनके ऊपर कि वो इस ट्रेन को चूज़ करते हैं या नहीं करते। तो अभी मैंने टिकट लिया है इसका, और टिकट मिला है विंडो से। दोस्तों थल एक्सप्रेस जो है वो मेन लाइन 1 से होती भी जाएगी अटक सिटी जंक्शन, और अटक सिटी जंक्शन से ये अपना रूट डील करेगी, और ML2 पे बरास्ता जंड दाऊद खैल मियाँ वाली से होती भी कुंदियाँ, और फिर इसी तरह ही आगे कुंदियाँ से आगे बखर लैया कोटद्दू, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ और फिर मुल्तान। तो रावलपिंडी से मुल्तान के दरमियान चलने वाली ये एक पैसेंजर ट्रेन है जो सुबह 7:20 में निकलती है रावलपिंडी से, और अभी बजे हैं 7:05। तो तकरीबन 15 मिनट हैं अभी ट्रेन के निकलने में। ZCU-20 इसको लीड कर रहा है, और लोकोमोटिव जो है इस ट्रेन का स्पेशली प्राइवेट कंपनी के होते हुए जो है वो चेंज किया गया था, क्योंकि पहले जो इसका लिंक था वो PHA या HBU के साथ था। तो अभी ZCU-20 129 अप और 130 डाउन थाल एक्सप्रेस जो दोनों ट्रेन हैं इनको लीड करता है मुल्तान तक। कुल 10 इकोनॉमी क्लास की कोचेज ऐड हैं ट्रेन रेक के अंदर, और जब ट्रेन चली थी तब AC स्टैंडर्ड की कोच भी हुआ करती थी, जो अब निकाल ली गई है। अभी पहली कोच में बैठते हैं, 9 नंबर कोच है ये, और सफ़र का अपने आगाज़ करते हैं। ये डिपार्चर हो रहा है पूरे 7:20 पे सुबह। कोच देखी जाए तो तकरीबन खाली है, कुल मिला के 6 से 7 लोग बैठे हुए। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या माहौल होता है इस कोच का और ट्रेन का। रावलपिंडी से कुंदियां जंक्शन तक 550 रुपये का किराया है इकॉनमी क्लास का, और तकरीबन 300 किलोमीटर का यह सफ़र है। तो रावलपिंडी से मुल्तान तक का जो ट्रैवल है उसका समझ लें ये हाफ है, और तकरीबन 1:10 पे पहुँचेगी ट्रेन हमारी। ऑलमोस्ट 6 घंटे का ये रास्ता है।
निकली है मुल्तान से और रावलपिंडी पहुंच बना रही है। रावलपिंडी से निकलने के बाद पहला स्टॉप इंशाल्लाह होगा कोल्डाचली जंक्शन और उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ेगी मेन लाइन 1 पे। सुबह 7:35 पे गोलड़ा शरीफ जंक्शन पे पहुँच बना आ रही है हमारी ट्रेन 130 डाउन थल एक्सप्रेस। दोस्तों गोलड़ा शरीफ जंक्शन से एक लाइन अलग हो रही है गोलड़ा शरीफ दसाल ब्रांच लाइन जो कि बाएं जाने में आपको घूमती हुई नज़र आ रही है और स्ट्रेट जो लाइन है वो मेन लाइन 1 है जिस पर ट्रेन हमारी जाएगी। जो महर एक्सप्रेस है वो इस ब्रांच लाइन में सफ़र करती हुई जाके आके मिलती है दोबारा से मेन लाइन 2 के ऊपर और हम भी उसी लाइन के ऊपर जाके मिलेंगे पर हम वाया अटक जो है वो होके आएंगे और 7 सिस्टर टनल के अंदर से होके गुजरेंगे। तो एक सीनिक रूट है जिसके ऊपर ट्रेन हमारी आज सफ़र करेगी और तकरीबन जो है वो 11 से 12 के करीब जो टनल्स हैं वो आएंगी। तो 7 सिस्टर टनल का एक अलग सिलसिला है और उसके अलावा मेन लाइन 2 की जो जंड से आगे छप के बाद जो टनल्स हैं वो अलग हैं।
ये सुबह 8 बजे ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है टेक्सला छावनी जंक्शन पे। टेक्सला छावनी से एक लाइन मेन लाइन 5 जो है वो जाती है हवेलियाँ की तरफ, और ये वाली लाइन जो है वो सीधी चली जाएगी आगे अटक सिटी जंक्शन, फिर आगे नौशहरा और पेशावर। ट्रेन हमारी बढ़ रही है हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की तरफ।
दोस्तों अभी ट्रेन हमारी फकीराबाद रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है सिंगल लाइन क्रॉसिंग के लिए, और तकरीबन 8:50 हुए हैं सुबह के, और होपफुली 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस अप्रोच करेगी और पास थ्रू होगी फकीराबाद रेलवे स्टेशन से। पेशावर से निकली है सुबह और जा रही है बलोचिस्तान मश तक। ट्रेन ये पूरे 9 बजे अप्रोच कर रही है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस, और ZCU-20 लीड कर रहा है इसको। नंबर भी देखते हैं क्या है। मेन लाइन से गुजरेगी, बढ़ रही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉप अटक सिटी जंक्शन का होगा, और अटक सिटी जंक्शन से हम ML1 छोड़कर ML2 के ऊपर अपना सफ़र जारी रखेंगे। प्लेटफॉर्म
एक शहर जंक्शन रेलवे स्टेशन के ऊपर काफ़ी तादाद में पैसेंजर मौजूद हैं। सिग्नल डाउन नज़र आ रहा है आपको और ये सिग्नल डाउन है 130 डाउन थाल एक्सप्रेस के लिए मेन लाइन 2 का ML2 के ऊपर। अब हम यहाँ से डाइवर्ट हो जाएंगे और डिपार्चर हॉर्न आपने सुन लिए। तकरीबन 5 मिनट के करीब अटक सिटी जंक्शन पे खड़े होने के बाद ट्रेन हमारी बढ़ रही है। स्टीम लोकोमोटिव का वाटर हाइड्रेंट नज़र आ रहा है वो अभी तक मौजूद अटक सिटी जंक्शन पे। दाखिल होगी सेवन सिस्टर्स टनल की सीरीज़ के अंदर। सात सुरंगें जो ML2 की जान है वो शुरू होने लगी हैं। और विशाल जंक्शन तक ये सिलसिला जारी रहेगा सुरंगों का और उसके बाद जंट से आगे मज़ीद कुछ सुरंगें हैं। मैं कोशिश करूँगा वो आपको एक अलग वीडियो में दिखाऊँ।
दूसरी सुरंग, अभी साथ ही तीसरी भी है। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो में दिखाऊं जो कि हिडन टनल्स हैं जो पहले मंजर आम पे बहुत ज़्यादा आ नहीं सकी।
गाड़ी बढ़ रही है विशाल जंक्शन की तरफ, और विशाल जंक्शन पे हमें गोल्डा श्री विशाल ब्रांच लाइन भी ज्वाइन करेगी ML2 के ऊपर, और फिर विशाल जंक्शन से आगे हम बढ़ेंगे जंट जंक्शन की तरफ। तो सेवन सिस्टर टनल का सिलसिला आपने देखा, बहुत ही खूबसूरत एरिया। बज के 5 मिनट के अप्रोच बना रही है 130 डाउन थल एक्सप्रेस विशाल जंक्शन पे। शरीफ रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है ट्रेन हमारी, और आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं जंट जंक्शन की तरफ। हमारे साथ रावलपिंडी कोहाट रोड नज़र आ रहा है आपको, इस पर एक पुराने मॉडल की फोर्ड वैगन जो है वो ट्रेन के साथ साथ चल रही है।
अभी सुबह 10:45 पे हम पहुंच चुके हैं जंड जंक्शन पे, और जंक्शन जो है उसके बारे में आपको बता दूँ कि यहाँ से एक ब्रांच लाइन जंड कुहाट अलग होगी, इस पर ऑलरेडी हम एक ट्रैवल कर चुके हैं, और स्ट्रेट ये लाइन मेन लाइन 2 जो है वो आगे बढ़ेगी दाउद तेल जंक्शन की तरफ, और आगे मियाँ वाली, उसके बाद कुंदियान जंक्शन। काफ़ी लोग मौजूद हैं सवार होने के लिए ट्रेन में। तो ट्रेन अभी हमारी जंड जंक्शन छोड़ चुकी है, तकरीबन 5 मिनट के करीब यहाँ पे स्टॉप हुआ है, और सामने दाएं जाने जो आपको ट्रैक जाता हुआ नज़र आ रहा है ये बेसिकली जंड जंक्शन कुहाट ब्रांच लाइन है, इसके ऊपर कुहाट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलती है, और ऑलरेडी हम उसके ऊपर सफ़र कर चुके हैं। छब रेलवे स्टेशन छोड़ रहे हैं, और आपको कैब राइड करवाई थोड़ी सी, वो भी सिर्फ इसलिए कि जो गुमशुदा सुरंगें थी ML2 की वो आपको दिखाना थी फ्रंट से, वाटर हाइड्रेंट देखें आप स्टीम का।
ट्रेन हमारी इंजरा रेलवे स्टेशन पे आके रुकी हुई है और यहाँ भी 2 मिनट के स्टॉप होगा। मसान रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है आके, छोटा सा स्टेशन है बिल्कुल, और कुछ पैसेंजर मौजूद हैं यहाँ भी ट्रेन में सवार होने के लिए। Top
पाकिस्तान को थोड़ी सी अपनी तवज्जो रेल की तरफ भी करने की ज़रूरत है। ये भी एसेट है पाकिस्तान का ही, और एक दफ़ा का लगाया हुआ पैसा जो है वो रेल लौटाएगी वापस। दोपहर को 1:10 पे हम पहुँचे हैं दाऊद खेल जंक्शन। दाऊद खेल से एक लाइन माड़ी इंडस की तरफ जाती है जो कि बिल्कुल लेफ्ट बैंक रिवर इंडस के ऊपर मौजूद रेलवे स्टेशन।
पहुंच गए 2 बजे तकरीबन। हम फौज बना रहे हैं, कोई तो बाहर चलेगी प्लेटफॉर्म से, होपफुली दूसरी भी। दो मिनट खड़े होने के बाद ट्रेन आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे कुंदियां जंक्शन। अगला हिल कुंदियां ब्रांच लाइन नज़र आ रही है जो कि सरगोधा खुशाब और वहाँ फिशरा से होती हुई कुंदियां जंक्शन आ रही है जिस पर माड़ी इंडस सफ़र करती है अपना। और दोपहर को 2:20 पे अप्रोच बनाई है हमने कुंदियां जंक्शन पे। 7:20 के हिसाब से देखा जाए तो उसका दोपहर का 1:50 का अराइवल बनता है कुंदियां जंक्शन। तकरीबन आधा घंटा डिले से हम पहुँचे हैं कुंदियां जंक्शन। ओवरऑल जो सफ़र है बहुत ही सीनिक है और बहुत ही मज़ेदार सुबह सुबह का सफ़र है। पैसेंजर के हवाले से देखा जाए तो रावलपिंडी से ट्रेन खाली थी, उसके बाद टैक्सला और हसन अब्दाल और अटक से काफ़ी तादाद में लोग ट्रेन में सवार हुए। उसके बाद जो कि जंड तक आया ज़्यादातर विसाल और जंड तक, और उसके बाद फिर जो है दाऊद खेल से लोग बैठे और मियाँ वाली से लोग बैठे, और उसी तरह लोग हैं अभी कुंदियां जंक्शन पर भी मौजूद हैं। और 3 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर लिया गया है ट्रेन को, और कुंदियां जंक्शन के प्लेटफॉर्म भी सेम झेलम रेलवे स्टेशन की तरह हैं, बिल्कुल साथ साथ बने हुए। लोको क्रू है, ये असिस्टेंट ड्राइवर असलम साहब और ये मलिक साहब, ये लेके आए हैं रावलपिंडी से 130 डाउन को कुंदियां जंक्शन तक। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। 302 किलोमीटर ML2 माइलस्टोन पे मौजूद कुंदियां जंक्शन। ML2 का बहुत ही मशहूर जंक्शन है, यहाँ पे अभी वाटर फिलिंग वगैरह का काम हो रहा है। दोस्तों हमारी दुआ है कि थाल एक्सप्रेस चलती रहे इस रूट पे और इस इलाके की आवाम जो है उसकी सर्विस से फ़ायदा उठाती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।